मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। अब सोना कैसे? दोपहर को तो मैंने बता दिया वाम कक्षी में सोना, रात को जब आप सोते हैं तो सीधे सोना इस पद्धति से, पीठ पीछे पेड़ ऊपर रात को। अगर जिनको नींद नहीं आती, जिनको झोप की तकलीफ है, तो सबसे पहले राइट में लेट जाइए रात को, दिन में नहीं। राइट में माने उजवा। तो जैसे राइट में लेटेंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रल शुरू हो जाएगा, चंद्र नाड़ी इससे जुड़ी हुई है। चंद्र नाड़ी सक्रिय है तो नींद बहुत अच्छी आती है। सूर्य नाड़ी अगर है तो नींद नहीं आएगी। सूर्य नाड़ी जो है राइट नॉस्ट्रल है, चंद्र नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रल। तो जिनको झोंक आने की समस्या है वो रात को पहले ये उजवा बाजू में, बारा नहीं उजवा, राइट साइड में लेट है तो चंद्र नाड़ी सक्रिय तो नींद अच्छी आएगी। और फिर सीधे हो जाए, पीठ के बल सोना सबसे अच्छा होता है। और सोते समय हाथ जो है ना दोनों ऐसे भी ना हो और ऐसे भी ना हो, बीच में रहे, ऐसे यहां रखे रहे, छाती और पेट का जो ज्वाइंट पोर्शन है यहाँ हाथ रहे तो अच्छा है। ये सबसे अच्छी स्थिति है। एक, आप सोने के बाद तो आपका शरीर खुद ही तय करेगा, फिर आप तय मत करिए, शरीर को छोड़ दीजिए, किधर बाजू में करवट लेना वो अपने आप कर लेगा। आप सोते समय ध्यान रखिए और उठते समय ध्यान रखिए। उठते समय कभी भी लेफ्ट साइड से नहीं उठना है, राइट से उठना है हमेशा। राइट से कैसे उठना कि आप पहले सो गए हैं, उठ गए हैं, आंख खुल गई है, चेतना आप में आ गई है, तो आप राइट करवट में लेटिए, सीधे है तो राइट साइड में फिर उठिए। एक स्थिति और भी बहुत अच्छी है सोने की, बच्चे कैसे सोते हैं आपने देखा, ऐसे सोते हैं और पांव उनका एक ऊपर होता है एक सीधे रहता है, इसको बाल आसन कहते हैं। ये सोने का सबसे आइडियल पोस्चर है। बच्चे कैसे सोते हैं? बच्चे को जब आप देखोगे सोते हुए तो एक साइड में लेटेगा, लेफ्ट या राइट, लेकिन एक पांव उसका ऊपर रहेगा, दूसरा लंबा रहेगा। ये सबसे आइडियल पोजीशन। अगर लेफ्ट में सोया तो ये वाला पांव ऊपर रहेगा राइट, और लेफ्ट लंबा रहेगा, और राइट में अगर वो सोया है तो लेफ्ट ऊपर रहेगा और ये लंबा रहेगा। तो बच्चों से सोना सीख लीजिए, वो सबसे अच्छे तरीके से सो। ज्यादातर बच्चे आप देखेंगे साइड से ही सोते, करपट से सीधे सोना बहुत कम बच्चे, और वो बहुत स्वस्थ है, उनकी नींद भी अच्छी है। आपने कई बार देखा, मैंने कई सारे कैलेंडर और पोस्टर में देखा है शंकर भगवान सोते हुए, वो आइडियल पोस्टर है, वो आइडियल पोस्टर है। शंकर भगवान का बाल स्वरूप या कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप वो इसी पोस्टर में सोते हैं। विष्णु भगवान को देखा नागशैया पर, वो भी बहुत अच्छा तरीका है सोने का, लेकिन वो बड़े लोगों के लिए है। बड़े से मतलब 60 वर्ष 70 वर्ष के ऊपर जिनकी हो गई है, तो वो सीधे पांव करके, पांव को पांव ऐसे रख के फिर सो सकते।